क्या आपको भी ये जानने की बहुत इच्छा रहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो मेरे पेट में, मेरे गर्भ में जो भी बच्चा ग्रो कर रहा है वो कैसे ग्रो करेगा? फर्स्ट मंथ में कैसे ग्रो होता है, सेकंड मंथ में कैसे ग्रो होता है, थर्ड मंथ में कैसे ग्रो होता है? ठीक है, तो गाइज आज का यही टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, इस वीडियो में सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। सो गाइज, आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड या अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर आपको बच्चेदानी में कोई गांठ है, अंडे में जहाँ पे अंडा बनता है यानी ओवरी में कोई सिस्ट है, गांठ है, तो उससे भी रिलेटेड या फिर प्रॉब्लम जो भी है पीरियड से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड, फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड, जो भी रिप्रोडक्टिव फीमेल ऑर्गन है उससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो गैस चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो गैस सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी प्रेगनेंसी स्टेजेस होते हैं यानी तीन स्टेज होती है, ठीक, तीन ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गैस सबसे ज्यादा हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, इसमें ही डर होता है एबॉर्शन होने के। ठीक है, इसमें ही बच्चे की ग्रोथ अगर कहीं भी वीक हो जाती है तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें रेगुलर टेस्ट इसमें ही कराने रहते हैं। स्टार्टिंग के दौर पे अक्सर महिलाएं ना अल्ट्रासाउंड कराती हैं ना कोई इन्वेस्टिगेशन कराती हैं। तो गैस हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ में क्या क्या हमारे फीटस में चेंजेस आते हैं, यानी हमारे बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, और आपको क्यों जरूरी है कि आपको जांच कराना चाहिए, इस वीडियो में सारा कवर करूंगी। तो गैस सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट मंथ। ठीक है, फर्स्ट मंथ में गैस बॉडी प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए, जहां आप वेट करती हैं कि आपको पीरियड आएगा, बट एट अ टाइम आपकी वही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो बॉडी प्लान करती है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक, उस टाइम क्या होता है गैस, जब स्पर्म और एग मिलते हैं साथ में तो एक गुच्छे की तरह बनते हैं। ठीक, वो गुच्छा बच्चेदानी में जाके कहीं भी इम्प्लांट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और यही गुच्छा गैस जब धीरे धीरे डेवलप होने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, यही रूप ले लेता है एम्ब्रियो का। ठीक है गैस, इसमें दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही सेल्स धीरे धीरे ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि एक झिल्ली बनती है। ठीक है, झिल्ली को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक सैक। ठीक, एमनियोटिक सैक के अंदर पानी रहता है। ठीक है, पानी क्या काम करता है, जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूड करते हैं, ये पानी गाइस जो बच्चा एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, बाहर से कोई चोट लगे या फिर कभी आपका पेट दर्द हो तो बच्चे को कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। ठीक है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो ये पानी एक प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक, ये एम्ब्रियो गैस धीरे धीरे डेवलप करता है सेकेंड मंथ में जाके। ठीक है, एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है फीटस में सेकेंड मंथ में। ठीक, बच्चे का साइज इसमें क्या होता है फर्स्ट मंथ में, जैसे नींबू का बीज होता है, ठीक है, ऑरेंज का बीज होता है यानी संतरे का बीज होता है, उसकी तरह एम्ब्रियो होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा साइज का होता है, 0.1 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। ठीक है, और लेस देन 1 ग्राम से बेबी होता है। ठीक है, लेस देन 1 ग्राम का भी वेट नहीं होता है बच्चे का। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट मंथ की बात। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड मंथ में क्या होता है। सेकेंड मंथ में गाइस बच्चे के सारे ऑर्गन्स डेवलप करने लगते हैं, आईज, ईयर, नोज, हेड। ठीक है, एज कंपेरिजन टू बॉडी हेड थोड़ा बड़ा ही दिखता है। ठीक है, इसमें गाइस 6 to 7 वीक में हार्ट बीट आ जाती है, यानी बच्चे की धड़कन 6 से 7 हफ्ते में आ जाती है। बहुत सी पेशेंट कंफ्यूज रहती हैं कि 3 महीने पे धड़कन आती है, नहीं, 6 से 7 महीने पे धड़कन आ जाती है। हम लोग एक एवरेज लेके चलते हैं कि 6 to 7 वीक पे ही हार्ट बीट आती है। क्यों? क्योंकि गाइस कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं लेट में कंसीव की होती है, यानी लास्ट मंथ में कंसीव की होती हैं, ड्यू जब उनका पीरियड आने वाला होता है उसके लास्ट टाइम पे कंसीव की होती है, जिसकी वजह से 7 वीक होते होते हार्ट बीट आती है किसी किसी को, मगर जो एक्चुअली होता है वो 6 वीक तक सबके हार्ट बीट आ जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल जो हार्ट बीट होता है वो क्या होता है, 90 to 110 बीट पर मिनट। ठीक,
इसमें गाइस क्या होता है, बच्चा जो होता है राजमे की साइज की तरह दिखता है, ठीक है। उसका जो लेंथ होता है 1 इंच होता है और उसका वेट 9 ग्राम से ऊपर होता है, ठीक। अब बच्चा गाइस जो हम पहले ही आपको बताए थे कि 1 मंथ पे एम्ब्रियो बना था, ठीक है, अब ये धीरे धीरे डेवलप होके फीटस का रूप लेने लगता है एट द एंड ऑफ 2 मंथ, ठीक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में गाइस यही जितने ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं ये अच्छे से वर्क करने लगते हैं, सारे सिस्टम अच्छे से वर्क करने लगते हैं, ठीक है। चाहे वो सीएनएस हो, चाहे वो सीवीएस हो, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम हो, ठीक है, जितने भी सिस्टम होते हैं बच्चे के अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। और इसमें भी गाइस जब सारी चीज डेवलप हो जाती है, नेल्स भी डेवलप हो जाते हैं, हर चीज डेवलप हो जाते हैं, तो हेड का साइज इसमें भी थोड़ा सा बड़ा ही दिखता है, ठीक। सेकेंड मंथ में गाइस क्या होता है कि आपकी डॉक्टर एडवाइस करती हैं आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो इसको आप जरूर करवाइए ताकि इससे ये पता चले कि बच्चे का ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है, बच्चे में हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, आपको कितने दिन मेडिसिन लेनी है और कौन कौन से आपको टेस्ट कराने हैं। जो भी आपकी डॉक्टर सेकेंड मंथ में एडवाइस करे, जब आप फर्स्ट टाइम विजिट करती हैं अपने डॉक्टर से, तो उसको आप जरूर कराइए। और क्या क्या चेंजेस आते हैं थर्ड मंथ में, इसमें गाइस लीवर जो होता है बाइल जूस सिक्रीट करने लगता है, जिससे बच्चे को डाइजेशन करने में इजी होता है, ठीक है। इसमें लेंथ क्या होती है बच्चे की, 3 से 4 इंच तक ग्रो हो जाता है, ठीक है। वेट जो होता है 28 ग्राम तक हो जाता है और जो साइज होता है गाइस वो लेमन के साइज की तरह बच्चा डेवलप हो जाता है, ठीक। इसमें गाइस बच्चा अपने से मुट्ठी बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है, ठीक है। क्लोज ओपन का सिस्टम भी शुरू हो जाता है, बच्चा अच्छे से मूव करने लगता है। बट गाइज ये आप तब फील करेंगे जब आप एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे और ये आपको कंडीशन आपकी डॉक्टर बताएगी कि बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक है, मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, और एमनियोटिक फ्लूड एमनियोटिक सैक की क्या कंडीशन है वो भी आपको बताएंगी। तो गाइज ये था आज का वीडियो कि 1 से 3 महीने में क्या क्या ग्रोथ होते हैं बच्चे के और कैसे कैसे ग्रोथ होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।